आज हम बात करेंगे आम जनजीवन में अध्यात्म की भूमिका पर। अध्यात्म क्या वास्तव में जरूरी है या अब वह पुरानी बात रह गई? दरअसल ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे भौतिकवाद जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमें हमारी दिनचर्या को वो निश्चित काफ़ी प्रभावित करता है। और इसके पीछे कई कारण हैं, लोगों की सोच, लोगों की ज़रूरतें और पूरी दुनिया का उस पर प्रभाव। पाश्चात्य देशों में जो कुछ होता है उसका हम पर तुरंत असर पड़ता है और हम कितने प्रभावित हैं। वास्तव में देखा जाए तो जितनी हमारी ज़रूरतें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा एक संजोने की आदत बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। इन सब में हम इस पर नियंत्रण करके क्या उन ज़रूरतों पर हावी होने के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी हमारी चली जाएगी या हमें भी कुछ चैन वास्तव में मिलेगा? इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे पास में एक ख़ास व्यक्ति मौजूद हैं, खास शख्सियत मौजूद हैं और मैं इसलिए भी इनके साथ बात करना हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये जीवन के उन दोनों पहलुओं को बहुत नज़दीक से इन्होंने देखा है। आप मानते होंगे कि भौतिकवाद में कहीं ना कहीं पर लोगों में जो नकारात्मक चीज़ें बढ़ती हैं और वो जो सकारात्मकता जो है कम होती जाती है, उस पर नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है। उस सामाजिक व्यवस्था में अफसर हैं, पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, नियम है। तो यह मैं भूमिका इसलिए रख रहा हूँ कि आज मेरे साथ में हैं डॉक्टर डीएन गौतम। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौतम, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और दरअसल डॉक्टर गौतम के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर डीएन गौतम हाल में झारखंड से जुड़े रहे हैं और झारखंड में ये यहाँ सुरक्षा सलाहकार, सरकार के सुरक्षा सलाहकार के तौर पर इन्होंने काफ़ी समय दिया है। इसके अलावा भी पुलिस विभाग में डॉक्टर डीएन गौतम की चर्चा बहुत पहले से सुनी जाती रही है, लेकिन मैं बताऊं कि इससे पहले झारखंड में सुरक्षा सलाहकार के पद संभालने से पहले डॉक्टर डीएन गौतम बिहार में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुआ करते थे। यही नहीं, इन्होंने बिहार के ज़माने में, एकीकृत बिहार की बात जब हम करते हैं, झारखंड और बिहार की बात, तो उस ज़माने में डॉक्टर डीएन गौतम की चर्चा इस तरह से होती थी कि मैं उसको बताने में फख्र महसूस होता है कि आज डॉक्टर गौतम मेरे साथ में बैठे हैं। इनके पदस्थापन, इनका स्थानांतरण होने पर आंदोलन हुआ करते थे। आप लोग जब पुराने बातों को याद करेंगे, इनका जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था तो लोग वहाँ के लोग आंदोलित हो जाते थे कि इनको हम नहीं जाने देंगे। तो डॉक्टर गौतम से हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्यात्म की। थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में मैं आपको एक और जानकारी दूं, और शायद आप पहले से भी जानते होंगे कि डॉक्टर डीएन गौतम एक अच्छे लेखक भी हैं। जी हाँ, इनकी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं अपने सेवा काल के दौरान भी, जब भी इनको फुर्सत मिलती इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उसके बाद से इन्होंने पूरा समय देना शुरू किया है अध्यात्म को, और गीता पर तो इनकी जबरदस्त पकड़ है। और हाँ, आज हम बात करेंगे इनसे, खासकर आपसे मैं बहुत कुछ समझना चाहूँगा कि आज जो माहौल है भौतिकवाद का माहौल, इसमें आप जब अध्यात्म की बात करते हैं तो बड़ा ये कॉन्ट्रास्ट सा लगता है कि अध्यात्म की जगह है क्या, बची हुई है क्या? ये दो चीजें नहीं है, अध्यात्म और भौतिक। बगैर भौतिक के अध्यात्म नहीं रह सकता, और बगैर अध्यात्म के भौतिक निर्जीव है, जड़ है, मृत है।
आदमी का शरीर भौतिक है, आदमी के अंदर जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, एक दुनिया गुजरती है, वो दुनिया अध्यात्म है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते गीता में कहा है। तो अब क्या बगैर भौतिक शरीर के कोई भावनाएं हो सकती है? और भावनाओं के बगैर क्या भौतिक शरीर जिंदा है? एक आदमी जो अस्पताल में कॉमटोज पड़ा हुआ है, चारों तरफ नलियां लगी हुई हैं, आप उसको क्या कहेंगे? एक अंग्रेजी पिक्चर थी, हूज लाइफ इट इज एनी वे, हूज लाइफ इज इट इज एनी वे, इट इज एनी वे, उसके जो हीरो है वो बड़े फेमस आदमी रहे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद वो क्रिपल है, पड़े हुए हैं अस्पताल में बिस्तर पर, वो मरना चाहते हैं क्योंकि वो जिंदा भी तो नहीं है, जिंदा भी तो नहीं है, तो डॉक्टर से कहते हैं, जब डॉक्टर ने मना कर दिया, ये फेमस केस था, कोर्ट में भी गए, यूथनासिया की बात जो चली थी, मृत्यु मांगने की बात चली थी कि भाई मुझे मृत्यु दे दी जाए, मरने दिया जाए, डॉक्टर से वो कहते हैं, डॉक्टर सिंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन योर हॉस्पिटल, आप अपने अस्पताल में सब्जियां कब से उगा रहे हैं? क्योंकि मेरी हैसियत तो एक सब्जी की है। एक दिन उनको आक्रोश आया, एक सिस्टर आई हुई थी, उसके स्तन की तरफ उंगली करके कहते हैं, सिस्टर व्हाट इज दिस, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, मुस्कुरा दी चली, तो ये नाराज हुए, सिस्टर लिसन, तुम नाराज क्यों नहीं हुई? एक्सीडेंट के पहले अगर मैं तुम्हें यही कहता तो तुम गुस्सा होती कि नहीं होती? दो दुनिया है, दोनों ये साथ साथ चलेंगे, एक दुनिया बाहर की दुनिया है जिसको हम संसार कहते हैं, एक दुनिया अंदर की दुनिया है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। और गीता के पहले श्लोक को लोग प्राय नजरअंदाज कर देते हैं, मैं उसको बड़ा महत्व देता हूं, महत्व इसलिए भी कि गीता का द्वार है वो, आप द्वार को महत्व नहीं देंगे तो क्या दीवार तोड़ के घुसेंगे? पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, और इस पूरे प्रकरण में गीता में धृतराष्ट्र का मुंह एक ही बार खुलता है, पहले श्लोक में, कोई चीज जिज्ञासा से निकलती है, जिज्ञासा तब आती है जब आदमी को झटका लगता है, चाहे दिमाग को झटका लगे, चाहे शरीर को झटका लगे, क्यों क्यों, उसके बाद पूछता है क्या, तो ये सवाल उसके दिमाग में, उसके जहन में आते हैं, बोलते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवा, उसमें दिया है कि कहते हैं भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडव इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया? इसमें दो शब्द हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हम लोग बुंदेलखंड की साधारण सामान्य भाषा में कहते हैं भैया उसके धर्म कर्म तो कछु ठीक नहीं, धर्म कर्म, धर्म कर्म ये अलग अलग नहीं है, कर्म बाहर आपके हाथ बाहर कार्य, और उसके साथ जो अंदर चीजें पैदा होती हैं, उसके साथ जो एसोसिएटेड विचार हैं, जो थॉट प्रोसेस है, प्रक्रिया है, अब जिस जो अंदर आपके गुजर रहा है, कुछ बाहर हो रहा है, कुछ अंदर हो रहा है, जो अंदर हो रहा है वो धर्म है, धर्म है। उदाहरण के लिए
आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, इम्पोर्टेंट आदमी है, इसलिए आपने बहुत अच्छा भोजन उनके लिए बनाया, इनवाइट किया था, काम है उनसे, भाई अच्छा भोजन खिलाना है, लेकिन आप उसको बेहद नापसंद करते हैं। आप मन ही मन गरिया रहे हैं और परोस रहे हैं बढ़िया प्रेम से। तो अब आपके अंदर का अध्यात्म जो चल रहा है और बाहर जो भौतिक आप दे रहे हैं, दोनों में कोई तालमेल है? तालमेल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भैया मन, वचन और कर्म, तीनों चीजों में एक रूपता ऋजुता होनी चाहिए, एक सीध में होंगे। अगर एक सीध में नहीं होते हैं तो हम कहते हैं उस आदमी में बहुत एंगुलरिटीज है। एक सीध में नहीं होंगे तो एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो हम लोग बोलते हैं भाई आपका दृष्टिकोण क्या है। कहता हूं कि भाई क्या बात कर रहा है यार, समतल देखो, समदृष्टि रखो, दृष्टिकोण की क्या बात है, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, समदृष्टि। आपकी समदृष्टि अगर लुप्त हो गई तभी ना दृष्टिकोण आएगा। तो आदमी के लिए क्या आवश्यक है कि आप संसार का कर्म करते हुए अध्यात्म अंदर के स्वभाव को बराबर रखें, छोड़े नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूं सिंपल, शक्कर। शक्कर एक भौतिक पदार्थ है, लेकिन इसका अध्यात्म क्या है, इसका स्वभाव क्या है? मिठास। जिस दिन शक्कर अपनी मिठास छोड़ देगी, क्या वो शक्कर रह जाएगी? यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है। हर पदार्थ का अध्यात्म है, उसी तरह मनुष्य का अध्यात्म है, मनुष्य का अध्यात्म भी वही है। अगर आपने अध्यात्म छोड़ दिया तो शरीर तो मनुष्य का रह जाएगा, लेकिन क्या आप मनुष्य रह जाएंगे? चीनी मिठास छोड़ के अगर चीनी नहीं रह सकती, तो आदमी इंसानियत छोड़ के क्या इंसान मनुष्य रह सकता है? रह सकता है क्या? वो तो हैवान में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किसी दूसरी प्रजाति में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने सारे जीव जंतु फैले हुए हैं दुनिया में, वो सारे जीव जंतु हमारे ही प्रक्षेप फिर प्रोजेक्शन से हैं। हम अपने हिसाब से देखें कि हमारा स्वभाव किससे मिलता है, हम बिल्ली हैं कि चूहे हैं कि शेर हैं, किस चीज का प्रीडोमिनेंस हमारे अंदर है, वो प्रीडोमिनेंस देखना है। उसी चीज को आदमियों की प्रकृति को समझाते हुए गीता में भगवान कहते हैं कि दो तरह के आदमी हैं। कृष्ण कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, और अर्जुन को लेकर के बात चल रही है। मैं जंप करके बहुत आगे चला गया, पीछे बाद में आएंगे। ठीक है क्योंकि जो व्यवहारिक चीज है वो समझ में आएगी तो फिर हम छोड़ पकड़ लेंगे। ठीक है हमको गौर करना होगा आपको भी। ठीक है। तो दो तरह के लोग जी जी, एक देवी संपदा युक्त है, जिनके अंदर हम कहते हैं क्षमा, दया, उदारता, अक्रोध, अहिंसा, बहुत सारे गुणों का वर्णन उसमें दिया हुआ है। वर्णन करने लगेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, उनके नाम दिखाना सब मुझे याद भी नहीं है। बट यही सब है जिनको हम कहते हैं, ये सब अच्छी चीजें हैं। ये दैवी संपदा युक्त लोग हैं। दूसरे आसुरी संपदा वाले हैं, आसुरी है, जिनके अंदर हिंसा, व्यभिचार, तामस, जितने भी क्रोध, दुष्टता, जितने दुर्गुण हैं, अकारण चोरी करना, ये सब सारे जितने भी कार्य हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी, असुर से है, असुर से आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी भाव हो गए। तो अर्जुन को समझाते हुए, अब आदमी के अंदर दोनों तत्व मौजूद है, डोमिनेंस किसका है ये देखना है। अर्जुन को कहते हैं कि देखो,
तुम दैवी संपदा युक्त व्यक्ति हो, जो दैवी संपदा जिसमें है डोमिनेंट है वो उसी के अनुसार चल सकता है। आप अगर अपने स्वभाव के प्रतिकूल चलना चाहें तो ना आप ये रहेंगे ना वो रहेंगे, वो रहेंगे। अभी जो भौतिकता का आपने बात कही, पश्चिमी प्रभाव और ये सबका, तो इस सबका कारण यही है कि आदमी जो है वो तो नहीं रहना चाहता, वो जो नहीं है वो होना चाहता है। एक समय था जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे साथ का लड़का देवानंद होना चाहता था, और उसका परिणाम ये होता था कि वो जहां है जिस क्लास में पढ़ रहा है ना वहां रहता था, वो देवानंद हो नहीं पाया। देवानंद तो हो नहीं पाया और जो था वो भी रह गया, वो भी रह गया। आपकी जो पूंजी थी लई पूंजी आपने वो भी गंवा दी। तो ये आप जब दूसरे प्रभाव में आते हैं, आप जिंदगी में आप ऐसा जुआ खेल रहे हैं जो आपको हारना ही है, हारना ही है। हाँ, ये अपने आप में आपने जिस ढंग से विस्तृत तरीके से आपने इन चीजों को गहराई तक ले जाकर फिर वो उस जगह पर आप आए हैं। मैं ये थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा भटक रहा हूँ शायद, लेकिन मैं जरूर ये समझना चाहता हूँ हमारे हमारे दर्शक साथ क्योंकि भटकाव को ही हम डील कर रहे हैं। नहीं तो आपके साथ में ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट लगता है, बहुत ही ये दोनों, कि आप कभी अपराधियों को नियंत्रण करने वाली शक्तियों के मुखिया रहे और आज आपने नजदीक आपके आसपास में तो ज्यादातर वैसे लोग ही रहे होंगे, चाहे वो अपराधियों को नियंत्रण करने वाले या अपराधी, तो वो जो माहौल था उसमें और अध्यात्म में आप कितना, अभी हालांकि आपने बहुत कुछ बताया उस संदर्भ में, बावजूद इसके मैं ये समझता हूँ कि इसमें क्या ये अध्यात्म वाली बात, गीता पढ़ने लिखने की बात, गीता को समझकर उसको बताने की बात, इसकी समझ क्या उसी दौरान विकसित होती है या फिर उसके बाद का कोई एरा है? आप जब जिंदगी के सवाल आपके सामने होते हैं आप उनके जवाब खोजते हैं। बहुत बार आप भटकते हैं, कई बार आपको सहज ही मिल जाते हैं। तो मैं पहले गीता कहाँ पकड़ी इस बात को डील करता हूँ, फिर ये अपराधी वाला पक्ष पे आता हूँ। ठीक है, गीता मेरे जीवन में कब आई, कब मैंने गीता को पकड़ा, तो दो तरह से होता है, या तो आपको जिसको मैं कहूँगा हेतु की कृपा हो गई उससे हो गया, या जीवन के सवाल आपके उठे, या दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। क्योंकि अगर सवाल नहीं उठ रहे हैं आपके जीवन में तो गीता रखी रहेगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा नहीं है तो उसके प्रति आपके अंदर उत्साह भी पैदा नहीं होगा। तो अपराधी वाला पक्ष में फिर बाद में लेता हूं। मैं गांव में, मेरा जब घर बचपन का घर है, आप तो बुंदेलखंड के रहने, बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड कहां, महोबा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है बिलरही। अच्छा, तो छोटी थोड़ी खेती है हमारी। और हमारा जो बचपन का घर था, तो बरसात के दिनों में जब उसके खपरेल की छवाई होती थी तो छाने वाला जो आदमी है ना, एक तो बलदेव काछी थे, बलदेव काछी, हाँ, वो बड़े मजे के आदमी थे। वो एक छोना जरूर छोड़ देते थे, अच्छा, जहां से पानी चुगे। अच्छा। तो उनको कहते थे कि भाई, कि पिताजी बोलते थे बलदेव दादा तुमने फिर छोड़ दो। तो बलदेव बोलते थे कि मालिक अगर हम छोड़ते ना तो फिर तुम हमें कैसे याद करते। तो खैर, एक छोटी कमी छोड़कर, हाँ, लेकिन समस्या याद आती थी जब बरसात कसके होती थी तो एक छोना एक चूना नहीं होता था वहां।
हमारा पूरा घर जूता था। ओहो। और हम लोग जो है, अच्छा उस समय बड़े मजे की बात यह है कि डिप्रेस नहीं होकर के हम लोग बड़े उत्साह में रहते थे, बच्चा पार्टी। मैं, मेरी बड़ी बहन, हम लोग सारे भगोने बर्तन बाल्टी लेकर के उठा उठा करके चूने के नीचे रखते थे। ये हमारे लिए गेम था। अच्छा अच्छा। तब तक देखा कि यहाँ आपने रख दिया तो वहां से चूने लगा। अच्छा अच्छा। तो दूसरा बर्तन रखा, घर के सारे बर्तन एंगेज हो गए। तो वो जो है कहते हैं कि भाई ऐसा चूते थे कि एक बूंद बाहर ना जाए, सब करके अंदर आ रही। उसी तलाशी में खोजते खाजते हमको एक पुस्तक मिल गई जिसके ऊपर नाम लिखा था गीता दैनंदिनी। अच्छा, गीता दैनंदिनी। गीता प्रेस गोरखपुर डायरी छापता था। डायरी छापते थे उन दोनों, शायद 10 पैसे की होती थी, बहुत सस्ती। बड़ा भला काम किया गीता प्रेस ने, घर घर पहुंचाया। तो उसको मैंने उठाया, मैंने वहां से पूछा ये क्या है। तो माँ ने कहा गीता है। मैंने कहा गीता तो है, लिखा है, उतना पढ़ लेता था, उससे ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन है क्या। बोले समझ लो कि ये कृष्ण भगवान की तुम सब लोगों के लिए चिट्ठी है। चिट्ठी है। वो चिट्ठी लिख गए हैं आगे आने वाले लोगों के लिए कि बेटा दुनिया में समस्याएं आएगी तो कैसे रहना है। अब गीता मेरे लिए, मेरे परिवार के पितामह की अपने परपोतों के लिए लिखी गई चिट्ठी हो गई। अब आप समझिए कि अगर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का लिखा हुआ कुछ आपको मिल जाए तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा। ये माँ का इलस्ट्रेशन जो है गीता के बारे में और जो उन्होंने आपके सामने रखा, वाकई उससे अटैचमेंट होना ही है। होना ही है आपको। बिल्कुल। तो मुझे लगा समझ में आए या नहीं आए, दो प्रेमियों के बीच में होता है। तो एक प्रेमी को राधा चिट्ठी पढ़ती नहीं थी, उद्धव चिट्ठी लेके पहुंचे तो आपने देखा होगा जो सीरियल आया था, वो सारी गोपियां चिट्ठी पे टूट पड़ी, चिट्ठी टुकड़े टुकड़े हो गई और हर गोपी चिट्ठी का एक टुकड़ा लेके बैठ के आंखों से लगा के रोने लगी। अच्छा अच्छा। एक पंडित जी का वृत्तांत आता है, एक्चुअल घटना है, पढ़ना नहीं जानते थे, गीता की पुस्तक सामने रख के रोते थे, कहते थे ये कुरुक्षेत्र का है, अर्जुन बैठा हुआ है और भगवान खड़े हैं उपदेश दे रहे हैं। मोटा मोटी मींस आपके अंदर वो फीलिंग जागृत हो गई। फिर उसके बाद उसका मेरा परिचय हुआ कक्षा 9 में। दर्जा 6 से हम लोगों को संस्कृत पढ़ाई जाती थी और बुरा हो उन सरकारों का जिन्होंने संस्कृत को सिलेबस से हटाया, क्योंकि ये विद्या की ऐसी बड़ी खान है, ऐसा प्रचुर साहित्य और कहीं उपलब्ध नहीं होगा, ऐसा ज्ञान का भंडार है। तो खैर, उसमें एक जगह आया है, टेक्निक आई है कि किस तरह से आप ध्यान करते हैं। ध्यान और प्राणायाम के इस लेकर 2-3 श्लोक हैं। तो और कोई तो गुरु था नहीं, तो मैंने ध्यान उसी पर तकनीक से करना शुरू किया। अच्छा। और अभी भी मैं स्कूल में बच्चों को बताता हूँ, आजकल हालांकि मैं खुद नहीं ध्यान कर रहा हूं, बट इतनी पावरफुल टेक्निक दुनिया में कोई नहीं है। उस टेक्निक से हुआ कि मुझे दोबारा कोई चीज रिवाइज नहीं करनी पड़ती थी। एक बार पढ़ लिया हो गया। क्या बात है। और फिर वो कभी भूलना नहीं है। बहुत पावरफुल टेक्निक है। अच्छा।
बहुत जबरदस्त टेक्निक है, उसका मुझे फायदा मिला है। मैं आईएएस के इम्तिहान की तैयारी के समय भी 4 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ता था। अगले दिन पेपर है तो मैं 9 बजे सो जाता था, 9 से देर तक कभी नहीं जागा मैं। अव्वल तो 8:30 बजे सो जाऊंगा। हमारे टीचर ने बोला था अगले दिन पेपर हो तो जल्दी सो जाएगा, जल्दी सो जाए करो, कम सोओगे तो कंफ्यूज रहोगे, डरना किस बात का। तो हमारे दर्शक जो आपकी आपने जो कहा वो टेक्निक के बारे में, वो अगर समझना चाहें तो उस पर हम लोग एक अलग से क्लास आपके आपकी शुरू कर दें कहीं पे फ्यूचर में, कि आप उस पर थोड़ा सा इलाबरेट कर सकें कि वो वास्तव में है क्या। 1 मिनट में मैं अभी बता देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें उन्होंने दिया है कि आप एक समतल जमीन पर जो आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, जैसे आप कंबल बिछा लें, कंबल के ऊपर रेशम का कोई वस्त्र डाल रख लें, रेशम नहीं है तो कॉटन का रख लें, कॉटन का रख कुछ रख लीजिए जो आपके यहाँ उपलब्ध है, नहीं तो कुछ की छतरी रख लीजिए उसके ऊपर कंबल रख लीजिए। आपको साधन के बारे, लेकिन वो होना ऐसा चाहिए कि इंसुलेटर हो। अच्छा अच्छा, वो अर्थिंग उसके साथ में वो नहीं हो, क्योंकि धरती गुड कंडक्टर है लक्ष्मी का, आपका शरीर भी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है, सुचालक है, दोनों सुचालक है, तो दोनों के बीच में एक कुचालक होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए जो उन दोनों को अलग अलग रखे, दोनों को अलग रखे, अदरवाइज आपकी जो ऊर्जा जनरेट होगी धरती में चली जाएगी, आपकी अर्थिंग हो जाएगी। बहुत सही है। तो अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर बहुत गजब ध्यान लग गया तो लोग बताते हैं कि इट कैन इवन कॉज डेथ। अच्छा, जितनी टोटल ऊर्जा आपकी साफ हो गई, वीकनेस आ जाएगी आपको, वीकनेस तो आना ही है, नहीं तो आप बिल्कुल प्योर ऐसे ही पृथ्वी पर बैठ करके ध्यान कीजिए, 1 घंटा ध्यान कीजिए, 1 घंटे के बाद यू विल बी वीक, आप कमजोर दिखेंगे। देखिए बड़ी अद्भुत है ये। तो आप बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रहे, और ऐसे आसन में बैठिए, पद्मासन बैठे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है पद्मासन, लेकिन जिस आसन में आप कष्ट महसूस ना करें, खाली रीढ़ सीधी होनी चाहिए, आराम से बैठ जाइए, और फिर आपको बहुत बार ऋषि मुनि तो बोलते हैं कि नासिका के अग्रे यहाँ कूटस्थ में ध्यान कीजिए, लेकिन मेरी ये टेक्निक नहीं थी, उसमें नासिका अग्रे लिखा था, नासिका के अग्रभाग में, तो नासिका का अग्रभाग तो मैं यही मानता ये होते हैं टिप ऑफ नोज। अब आप टिप ऑफ नोज देखिए, आप आंखें हाफ क्लोज कीजिए तभी आप टिप ऑफ नोज देख पाएंगे, और फिर वो भागेगी, क्योंकि दोनों आंखें आपकी समतल नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक नाक के छिद्र में आपका वायु का प्रवेश ज्यादा सबल होता है, दोनों में बराबर नहीं होता है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो आपके अंदर का तीसरा नेत्र जो पावर है वो जागती है। अच्छा, तो अगर आप इस टेक्निक को दोनों को बराबर करने की कोशिश में आप ऐसे हाफ क्लोज आईज को यहां पे नोज को टिप को देखिए लगातार, सुबह शाम अगर आप इसको 2 मिनट कर सके तो आपकी स्मृति तो जाग जानी है। ओहो, क्या बात है, गजब की जागेगी ये तो। और जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं अपने बच्चों को बताएं, मैं जानता हूं अगर उनकी किस्मत में नहीं है तो वो नहीं करेंगे, उनको इसी समय दुनिया का सबसे ज्यादा आलस आ जाएगा और कोई दूसरे जरूरी काम याद आ जाएंगे, लेकिन यदि आप करेंगे लगातार, ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन किया और सोचे कि आप कालिदास हो गए, आपको करते रहना है, फल की ओर ध्यान नहीं देना है, गीता में कहा हुआ है फल तो प्राप्त होगा, आम का पेड़ लगाया हो तो चिंता क्यों करते हो, उसमें आम फलेंगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इस टेक्निक ने मुझे बहुत पौधा पौधो, इस तरह से मेरा गीता से प्रेम शुरू हुआ। ये अद्भुत है, ये अपने आप में आपने सुना, और हमें लगता है कि बातचीत तो हमारी काफ़ी लंबी चल सकती है, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन है, एक इंट्रोडक्टरी ये है। डॉक्टर गौतम के साथ ये हम लोग एक शुरुआत करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से इच्छा थी कि डॉक्टर डी एन गौतम
इस पे एक पूरी फहरिस्त इनकी आए, इनकी बातचीत, इनकी जो बातें हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए हम लोग इसको यहाँ पे संपन्न करते हैं। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और आप दर्शकों का कि आप सुनने की इच्छा रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप आगे के अंकों को भी आप जरूर सुनेंगे, और डॉक्टर गौतम ने जिस ढंग से समय निकाला है, इनके इनकी दिनचर्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो सेवा काल में उनकी दिनचर्या की व्यवस्था कुछ अलग तरह की होगी, लेकिन आज की व्यवस्था इनकी ऐसी उसमें ऐसी गहराई है जो काफ़ी हर विषय को पर केंद्रित करना और विषय वस्तु को समझना और साथ साथ उसका अध्ययन और उसको अपडेट करते रहना, हम आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग इनके प्रति एक बार आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए, आपको यह बातचीत कैसी लगी डॉक्टर गौतम से, क्या आपको कुछ मिला, क्या आप चाहते हैं कि इनकी बातें आने वाले दिनों में आपको दूसरे अंकों में, दूसरे एपिसोड्स में सुनने को मिले। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों से, अपने परिजनों से, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल सके, समय पर मिल सके। आज के लिए फिर से एक बार बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार।